नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आर्सन। आज हम शाला दर्पण पे कुछ नए अपडेट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें कुछ नए मॉड्यूल दिए गए जो आपके सामने स्क्रीन पे जैसे आप शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से करते हो तो उसमें दिखाई देता है। बोर्ड परफॉर्मेंस इनिशिएटिव रिव्यू, ACV पेंडेंसी रिपोर्ट्स, स्टाफ डेली रिपोर्ट जिसको आपको डेली करना होता है, और उसके बाद में जो है आपने स्कूल अपडेशन नहीं किया तो उसका नेम से संबंधित अपडेशंस और GIS, ये पांच प्रकार के जो अपडेशन आपके सामने हैं ये आपको करने हैं। इसमें आज अपन इस वीडियो में जो बात करने वाले हूँ, ACP जो रिपोर्ट्स है उसको आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम पूरा इसमें जानेंगे। और इसका जो ACP यानी कि हर कर्मचारी को इसके नियम हैं कि आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद में आपका फिक्सेशन होता है 2 साल के बाद में, और यानी कि ज्वाइनिंग डेट टू आपको 9 ईयर कब हो जाते हैं उस दौरान आपको ये चीज़ दी जाती है। और ACP का पूरा नाम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव, यानी आपको आश्वस्त किया जाता है कि पूरे कैरियर के अंदर आपको किस प्रकार से एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो इसमें 9 ईयर का प्रावधान है और गजेटेड सर्विस उनको 10 ईयर का प्रावधान है। और इसके पूरे रेगुलेशन अगर आप पढ़ना चाह रहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसमें आप दोस्तों सबसे पहले ACP पेंडेंसी जो रिपोर्ट है यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक अलग मेन्यू पे ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप करोगे उस पर स्कूल का नेम यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप जैसे आपको स्कूल का नेम दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे स्कूल नेम पे आप क्लिक करेंगे थोड़ा ये प्रोसेसिंग होने के बाद में आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब का नेम और उसके बाद में आपके पद, एम्प्लॉय आईडी और अब आपका वास्तविक ACP, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएगा, जिसमें आपको जो आपका फिलअप किया वो यहाँ पर दिखा देगा। विभाग से प्रथम नियुक्ति, विभाग से प्रथम नियुक्ति की पद, सीधी भर्ती का अंतिम पद और सीधी भर्ती से अंतिम पद पर कार्यग्रहण की तिथि, ये सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इसमें आप जिस एम्प्लॉय का करना चाह रहे हो उस एम्प्लॉय पर आपको ये जो नीला कलर दिखाई दे रहा है, तो जैसे मैं मेरा ही करके दिखा देता हूँ, इस नेम पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस नेम पे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा आपके सामने इस प्रकार से, और प्रोसेस होने के बाद में आपके सामने एक और नई पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। ये पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है, इस विंडो के अंदर आपका पूरी ऊपर डिटेल दिखाई देगी, यहाँ पर आपकी एम्प्लॉय आईडी, प्रथम विभाग की तिथि, ये सारा आपको दिखाई देगा, और अंतिम कार्यग्रहण की तिथि, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप दोस्तों ये स्थायीकरण सबसे पहले, फिर ACP 1, 2 और 3 नीचे दिए गए, इसको आपको भरना है। तो वास्तविक स्थायीकरण आपका कब हुआ है उसकी आप डेट यहाँ पर फिलअप कर देंगे, और यहाँ पर आप डेट भरते हुए और ये लिखेंगे स्थायीकरण आपका हो चुका है या नहीं, यस या नो में आपको भरना है। और फिर आपको इसके बाद में आदेश क्रमांक आपको डालने हैं, यहाँ पर आपको उस स्थायीकरण के आदेश की डेट डालते हुए और आगे बढ़ना है। यहाँ पर कोई कारण, तो कारण आपका यहाँ पर अगर नो करोगे तो इसमें कारण आपको मांगेगा, यस करोगे तो कारण नहीं मांगेगा। ACP की प्रथम डेट यहाँ पर आपको दोस्तों भरनी है, तो अंतिम जो आपकी अगर सीधी भर्ती से ज्वाइनिंग हुई है उस डेट को ध्यान में रखते हुए आपको ACP लगानी है। अगर पुराने आप पहले किसी पद पे थे और अब आप न्यू पद पे भर्ती हो चुके हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करनी है 9 साल, तो आपको भरना है। अब जैसे ACP मेरे को बाद में मिलनी है यहाँ पर, तो यहाँ मैंने इसको नो कर दिया, नो करते ही आपको रीज़न यहाँ मांगेगा और ये आपका आदेश वाला ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ आप रीज़न देंगे तो रीज़न में क्या क्या रीज़न है देखिए, विभागीय जांच की बकाया, अवकाश प्रकरण, पदोन्नति का प्रत्याग, 2 से अधिक संतान, ये विशेष कारण है जिनसे ACP नहीं मिलती है, और प्रकरण प्रेषित और अन्य, तो अगर इनमें से कोई कारण नहीं है तो आप अन्य कर दें और फिर नेक्स्ट ACP लगा दें। और जैसे आप अन्य करेंगे तो नीचे एक कॉलम और खुलेगा, उसमें आपको रीज़न देना है अन्य रीज़न क्या है। तो जैसे आपका टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ तो आप नॉट कंप्लीटेड टाइम इस प्रकार से लिख, तो जैसे मैंने नॉट 9 ईयर कंप्लीट इस प्रकार से लिख दिया, तो आप इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हो। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट में पेश कर सकूँ, क्योंकि तीनों ACP आपको भरनी है। तो अब दूसरी ACP, तीसरी ACP इसी प्रकार से भरें। अभी आप इसी तरह से तीनों ACP और स्थायीकरण की डेट ये चारों कंप्लीट करते हुए और आप अपडेट कर देंगे, यहाँ नीचे जो अपडेट का ऑप्शन है उस पर अपडेट कर देंगे।
अपडेट के बाद में कुछ प्रोसेसिंग होगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में ये अपडेट हो जाएगा। और जैसे आप अपडेट करेंगे डिटेल सक्सेसफुली डाटा सेव्ड ही आ जाएगा। इसको क्लोज़ कर देंगे और क्लोज़ करने के बाद जैसे आप इसको एम्प्लॉय को देखेंगे तो ये एम्प्लॉय के सामने पूरी डेट फिलअप आ जाएगी। तो ये पूरी रिपोर्टिंग है। इसी प्रकार से दूसरे एम्प्लॉय को ले लें। इसमें आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि आपने अगर एसीपी ले ली है तो इस एसीपी की डेट आपको भरनी है, और नहीं ली है तो किस कारण से आपने नहीं लिया, जो इसके कारण सामने आपके आ रहे हैं उन कारणों में से आपको कारण चूज करना है, और वो कारण नहीं है तो आपको अन्य कारण चूज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, इस डेट का ध्यान रख लेना है कि कार्यगण के अंतिम पद है उसकी डेट क्या है, सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो आप प्रपत्र टैन के अंदर जाके इसको सही कर दें स्टाफ से, स्टाफ टैब से, और ये आपको करना है। तो इसमें आपको ये रीजंस वगैरह सब ध्यान रखने हैं अच्छी तरह से, और इसको करते हुए कम्प्लीटली आपको इसको कर देना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख, अभी 31 तारीख बजाई जा रही है, तो 31 तारीख तक आप कर दें। अन्य जो अपडेट्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों।